हेलो भाई और बहनों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो आज हम दिखाने वाले ब्रॉल स्टार का गेम प्ले, तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आ जाते हैं शोडाउन प्लस में। यहाँ पर मैं खेल रहा था ब्रोक के साथ और जो मैप है वो है डार्क फैंटेसी। यहाँ पर ये बी चली जाती है, शायद दूसरी तरफ दो बॉक्सेस रहे होंगे। ये बंदा बहुत ज्यादा लालची था, इस बंदे को आप अभी याद रखना। यहाँ से दो क्यूब मैं उठाता हूँ, आगे चलता हूँ, फिर यहाँ से एक और क्यूब उठाता हूँ, मतलब मेरे पास हो जाते हैं तीन क्यूब। अभी मैं यहाँ पर झाड़ियों में फायर करके देख रहा था कि यहाँ कोई आस्तीन में छुपा हुआ सांप तो नहीं है, तभी ये एडगर आता है, उसको मैं लपेटे में ले लेता हूँ। अभी वो एडगर है, उसकी कहानी क्या होती है, जो एम्बर थी वो एडगर को परेशान करती है। एडगर है वो जंप करता है एम्बर पर, लेकिन एम्बर उसका बुरा हाल करती है, एडगर बच जाता है और मेरे हाथों मारा जाता है। लेकिन जो एम्बर है उसकी एक मैक्स के साथ फाइट हो जाती है, तो दोनों आपस में ही मर जाते हैं। अब यहाँ पर मेरे को पता था कि यहाँ पर क्लोट छुपा है। यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हो क्लोट यहाँ पर गया है, तो मैं यहाँ पर उसके ऊपर फायर करने जाता हूँ। ये क्लोट था, शायद ट्रॉफी पुश कर रहा था और थोड़ा सा पैनिक भी था। यहाँ पर मैं देखता हूँ स्टू को, लेकिन उसके ऊपर फायर नहीं करता हूँ क्योंकि स्टू से पंगा हो सके तो कम ही लेना चाहिए, बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। लेकिन अभी उसका जो सुपर चार्ज होता है वो थोड़ा सा नर्फ हो चुका है। यहाँ पर क्लोट आता है फिर से, तो मैं उसको डराता हूँ। वो पैनिक था इसलिए अच्छे से फायर भी नहीं कर पा रहा था। यहाँ पर उसकी फाइट है, वो बी से भिड़ जाती है, बी अच्छा खासा डैमेज दे देती है। यहाँ पर जैसा कि देख सकते हो कि उसकी हेल्थ है वो 600 से भी कम हो चुकी है। यहाँ पर बी उस पर अटैक करती है और ये खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ स्टू है और पैम है, वो मर जाते हैं। और यहाँ पर ये बंदा वही था जो पहले दो क्यूब के लिए गया था, यहाँ पर भी दो क्यूब के लिए लालच की और बंदा मारा गया। अब आ जाते हैं जेम ग्रेब पे। यहाँ पर मैं यूज कर रहा था तारा का, ये तारा पावर 8 की है बिना गैजेट वाली। हाँ, अब यहाँ पर जो एनिमी बाली है वो मीट संभाल रहा था, बहुत ज्यादा परेशान कर रहा था हमें। और ये यहाँ से तारा आती है जिसको मैं लपेटे में ले लेता हूँ, पता नहीं क्यों आई थी। और यहाँ पर ये बाली है वो तो अच्छे से काम कर रहा है, लेकिन जो मैक्स है वो अच्छे से काम नहीं कर रही, जैसा कि आप देख सकते हो कैसे हमारी साइड आके मर जा रही है। यहाँ पर जो तारा है वो स्प्रूट को लपेटे में ले लेती है और यहाँ से मैं उसको डैमेज देता हूँ। मोर्टिस उसको तारा को लपेटे में ले लेता है और यहाँ पर मैक्स आती है, वो मेरे को लपेटे में ले लेती है। अब यहाँ पर जो तीन जेम्स गिरे थे उसको लेने के लिए बाली आता है, लेकिन उस लालच में वो लपेटे में आ जाता है मेरे सुपर और मोर्टिस लपेटे में ले लेते हैं उसको। यहाँ पर तारा आती है लेकिन उसका कोई फायदा तो था नहीं। अब यहाँ से हम दोनों जाते हैं आगे और ये सुपर का यूज तो करती है लेकिन जो उसकी हेल्थ थी वो कम थी। यहाँ पर पता नहीं ये तारा क्या कर रही थी, उसने अपना सुपर तो यूज किया लेकिन फायदा तो था नहीं। हमारे पास 10 जेम्स हो गए थे इसलिए इस दोनों को रोकना जरूरी था, तो वो रोकने के लिए गया। तारा है उसको मैं मारता हूँ, यहाँ पर उसका सुपर चार्ज हो जाता है लेकिन वो कुछ काम का तो था नहीं। यहाँ पर जो मोटिस है दोनों को लपेटे में ले लेता है। तो गाइस सब आ जाते हैं ब्रोल बॉल में। यहाँ पर मैं खेल रहा हूँ एडगर के साथ। यहाँ पर मैं राइट की ओर जाता हूँ, नैनी आता है, नैनी को लपेटे में लेते हैं। यहाँ पर मेरे गैजेट की वजह से जल्दी से मेरा जो सुपर है वो रेडी हो जाता है। मैं बॉल को आगे की तरफ थ्रो करता हूँ, सुपर यूज करके आगे जाता हूँ और यहाँ पर ये हो जाता है स्कोर, मतलब एक मजाक की तरह। फिर से मैं वही पोजिशन पर जाता हूँ लेकिन यहाँ पर कुछ अलग होने वाला है। यहाँ गेल दादाजी अपने सुपर का यूज करके जो बॉल को आगे थ्रो करते है, फिर 3v1 था तो होना क्या था, स्कोर कर देती है एनिमी टीम, फिर एक मजाक। अब मैं सचेत हो चुका था इसलिए यहीं खड़ा रह जाता हूँ और ये नैनी को देख रहे हो, उसे लगा कि वो 200 IQ करेगा, लेकिन नहीं, उसके दो बाप यहाँ पर बैठे थे। हमारे टीममेट इस बार पहले जैसी गलती नहीं करते, मतलब लपेटे में नहीं आते, उनको लपेटे में ले लेते हैं और यहाँ से हम जाते हैं आगे। मोटिस को ये दोनों लपेटे में ले लेते हैं, लेकिन जो नीता थी वो स्कोर कर देती है, मतलब ये मैच कम मजाक ज्यादा था। तो गाइस अब आ जाते हैं हॉट जोन पर। ये मैप का नाम है स्प्लिट और यहाँ पर मैं खेल रहा था एस के साथ। हाँ, मेरे पास भी ब्रोल पास है। तो गाइस यहाँ पर एडगर आता है जिसे हम लपेटे में ले लेते हैं। ये पोको और जेसी है, वो दूसरे वहां पर थे। यहाँ पर पोको मेरी मदद करने आता है लेकिन मैं तो बहुत ज्यादा प्रो हूँ इसलिए दोनों को मैंने ही संभाल लिया। अब यहाँ पर बूल है, वो फिर से आता है लेकिन इसे मैंने उसको लपेटे में लेना चाहा लेकिन वो भाग गया। अब ये बूल फिर से आता है लेकिन कुछ नहीं कर पाता, हमारे परसेंटेज तो बढ़ ही रहे थे। ये एडगर फिर से आता है, अपना गैजेट यूज करता है लेकिन स्टिल ही कैंट विन बिकॉज आई एम द प्रो। अब यहाँ पर बूल था, वो ट्राई तो करता है लेकिन
नहीं नहीं कुछ नहीं हो सकता, और इस तरह से हम जीत जाते हैं। तो गाइस अब आ जाते हैं फाइनली नॉकआउट पर। यहाँ से मैं जाता हूँ मिड में, लेकिन ये बायरन बहुत ज़्यादा अनोइंग था, देखो कैसे मार रहा है, और लास्ट में मेरे को 69 हेल्थ पर छोड़ा। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारी जो पाइपर थी वो बहुत ज़्यादा धमाकेदार थी, जो उस जेसी को लपेटे में ले लिया था, और इस तरह से हम सबको लपेटे में ले लेते हैं। अब स्टार्ट होता है सेकेंड राउंड। यहाँ पर मैं टेलीपोर्ट के ऊपर से जाता हूँ ताकि उनको लगे कि वहाँ से आ रहे हैं। अब यहाँ से ये बायरन पता नहीं क्यों आ रहा था, उनको लपेटे में ले लिया। अब मैं यहाँ पर सुपर डालता हूँ और जेसी को मारने की कोशिश करता हूँ, नाकाम कोशिश करता हूँ। लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पर ये जो पाइपर है वो जेसी को लपेटे में ले लेती है। अब एक बाल ही बचा था, तो फुल कॉन्फिडेंस के साथ हम तीनों बढ़ते हैं आगे। ये गेल को तो लपेटे में ले लेता, लेकिन यहाँ पर हम तीनों थे उनको लपेटे में नहीं ले पाया। तो गाइस अब लास्ट में आ जाते हैं डुओ शोडाउन में। यहाँ पर मैं खेल रहा था पाइपर के साथ, और जो मेरा टीममेट है वो था क्रीफ। यहाँ पर हम एक क्यूब को एक और टीम से छीनते हैं। यहाँ से हम जाते हैं आगे, और यहाँ पर मैं झाड़ियों में एम करता हुआ जाता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ कोई है तो नहीं ग्रास में। फिर ये टीम मिलती है जो क्यूब इकट्ठे कर रही थी। ये थोड़ी सी नूब टीम होती है कि जो हमारे फंसने पर फंस जाती है। यहाँ पर हम डैमेज देते ही जाते हैं, गेल को एक और शॉट लग जाता है, गेल की हेल्थ बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ग्रीफ लपेटे में ले लेता है, लेकिन जो सैली होती है वो मेरे टीममेट को लपेटे में ले लेती है, लेकिन फिर मैं उसका बदला भी ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैं थोड़ी देर उसका इंतजार करता हूँ कि मेरा टीममेट है वो रिस्पॉन हो, ये जो एक क्यूब है उसका हमें फायदा हो। यहाँ पर वो रिस्पॉन होता है, हम यहाँ पर ये क्यूब उठाते है और यहाँ से आगे चलते हैं। अब गाइस हम पहुँच गए थे मिड में। यहाँ पर हमारी मुलाकात होती है एक और टीम से, जिसमें थे एक था स्टू और एक थी पाइपर। जो स्टू था वो बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था हमें, कब से उसे मारने की कोशिश कर रहा था लेकिन लग ही नहीं रहा था। फिर बाद में एक शॉट लगता है। अब मैं यहाँ से जाता हूँ आगे और अपने सुपर का यूज़ करके जिस पत्थर को ही तोड़ देता हूँ। अभी मैं बाल बाल बचा, अगर एक भी फायर क्रैकर स्टू का लग जाता तो खत्म थी फिल्म। अब बची थी चार टीम, चारों कोनों में चार टीमें थी। यहाँ पर सबसे पहले मोर्टिस और ये डेरियल की टीम निपटती है, उसके बाद वो बी और स्टू वाली टीम निपटती है, फिर हम दोनों में हो जाता है शो डाउन। मेरे को पता नहीं कैसे, पर मेरा एक शॉट है वो स्टू को लग जाता है और जो स्टू है वो निपट जाता है। अब सिर्फ पाइपर बची थी, उसको मेरा टीममेट ग्रीफ ले जाता है, और फिर मैं ऐसे स्टाइल मार के गेम को खत्म करता हूँ। You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No, it's your time no more. Who the fuck are you? Tell me what to do. I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight? Fight back. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they give a damn, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you just faking. Nah, I don't wanna hear it anymore, I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts that you're not what I need anymore. I'm about to shut the... तो मेरे भाई और बहनों, मुझे उम्मीद है कि आपका वीडियो एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।